आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। इस समय मौजूद है मुमरा के शंकर मंदिर पर और आपको बता दें कि आज देखेंगे यहाँ पर शिव भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग शिव भक्ति में लीन हैं। और आज महाशिवरात्रि के मौके पर ये मुमरा के शंकर मंदिर पर पहुँचे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। आज सुबह से ही यहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोगों में काफ़ी उत्साह देखी जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी महिलाएं हैं जो यहाँ पर ढोल हारमोनिया लेकर यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। इसके अलावा हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आज महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के ट्रस्टी गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बात करेंगे इनसे भी, लेकिन आपको दिखाएंगे कि पूजा करके मंदिर से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है। सभी लोग बाकायदा लाइन से एकदम शांतिपूर्वक तरीके से मंदिर से दर्शन करने के बाद यहाँ प्रसाद लेने के लिए लाइन में है, उसके बाद यहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। गुप्ता जी, 12 ज्योतिर्लिंग है जो काफ़ी अहम माना जाता है भारतवर्ष में, टोटल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग है और उसकी रिप्लिका यहाँ पर बनाई गई है। उसकी रिप्लिका यहाँ पर बनाई गई, यानी प्रतिकृति, ये कलाकृति के जरिए बनाई, जी जी हाँ, हाथ से बनाया, यहीं के कार्यकर्ता बच्चे लोग ने बनाया। ये जो मौजूद है यहाँ पर इन लोगों ने बनाया ऐसे, हाँ कई बच्चे हैं ऐसे, तो एक बच्चा है संदीप नाम का, उसने बनाया। अब देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसके दर्शन यहाँ पर, आप क्या बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश मंडराई। 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनके दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोग सबके नाम अलग अलग जो लिखा गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं दर्शन करने? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बाबा के दर्शन करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। ये बताया जा रहा है हाथों से बनाया गया है जो 12 ज्योतिर्लिंग है और सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम के साथ यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दिखने में, ये जिस तरह से बनाया गया है पूरा, जिस तरह से इसमें डेकोरेशन वगैरह किया गया है। आप लोगों की टीम ने बनाई है? हाँ, हमारा मुमरेश्वर नवतरण मंडल ग्रुप है, उन्होंने ये सब यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। क्या है, सभी भक्त लोग 12 ज्योतिर्लिंग जा नहीं सकते हैं, इसके लिए हम लोग ने सब ज्योतिर्लिंग हाथ से मिट्टी से बना के यहाँ पे डेकोरेशन किया है कि लोग आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए और यहाँ पे सब दर्शन करें। तो इसके लिए सब 12 ज्योतिर्लिंग पूरे अपने अपने लुक में जैसे दिखते हैं सेम वैसे टाइप में हम लोग ने बना के डेकोरेशन करके यहाँ पे रखे हैं। बिल्कुल सही बात है कि बहुत लोग दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते, लेकिन आज मुमरा के शंकर मंदिर में देखेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ पर है और अच्छा सजावट है, लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। हम आगे और चलेंगे, बात करेंगे गुप्ता जी से ही कि अंदर जो है शंकर मंदिर में किस तरह से पूजा की जा रही है। हम अंदर चलेंगे, अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से आज महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ है भक्तों की और सभी लोगों को बंदोबस्त जो है यहाँ पर अच्छा किया गया है कि
महिलाएं भी बाहर लाइन में हैं और पुरुष भी हैं, और धीरे धीरे करके लोगों को छोड़ा जा रहा है अंदर पूजा करने के लिए, कि काफ़ी भीड़ ना हो और लोग शांति से और अच्छे से जो है पूजा यहाँ पर कर सके, दर्शन भगवान शिव के कर सके। कुछ लोग हैं जो दर्शन करके बाहर भी निकल रहे हैं। मुंब्रा का शंकर मंदिर जो काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है ये मंदिर, गुप्ता जी आज महाशिवरात्रि का मौका है, बड़ी संख्या में देख रहे हैं बच्चे बूढ़े महिलाएं जवान सभी लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आ रहे हैं जी, क्या बताएंगे आप? देखिए आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का मतलब शंकर और पार्वती के विवाह का दिन, और हमारा ये शंकर मंदिर है ये लगभग 350-400 साल पुराना है, और ये जो शिवलिंग है इसमें ये कवच है ऊपर कॉपर का, एक कवच है कॉपर का और इसके अंदर शिवलिंग है, और वो शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है यानी नीचे ज़मीन में से निकला हुआ, ये मानव निर्मित नहीं है, इसलिए इसका महत्व जैसे ज्योतिर्लिंग के जैसे होता है। ज्योतिर्लिंग माने पूरे भारत में 12 मंदिर हैं वैसे, तो ये क्योंकि स्वयंभू है तो उतना ही महत्व है इसका भी। सुबह से ही काफ़ी भीड़ आ रही है, बंदोबस्त कैसा रहा यहाँ? आपको 12 बजे से यहाँ पर काफ़ी भीड़ आ रही है, पुलिस का काफ़ी बंदोबस्त रहा है और लगभग यहाँ पर अब तक 10 से 15 हज़ार लोग आ चुके हैं। तब तक ये जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आज पूरी रात भर ऐसा ही पूजा होगी, आज दिन तो चालू ही है अभी, रात भर भी पूजा होनी है और कल यहाँ पर भंडारा होगा। अच्छा, आज लोग जो आ रहे हैं काफ़ी उत्साह उनमें देखा जा रहा है, और आप लोगों में ट्रस्टियों में भी काफ़ी उत्साह है, बाहर जो है देखा जा रहा है प्रसाद लाइन लगाएगा, प्रसाद का किस तरह से व्यवस्था किया गया? देखिए ये जो है ना यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग नासिक से आते हैं, पूना से आते हैं, करजत, कसारा, विरार, कल्याण सब जगह से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये लगभग 350-400 साल पुराना, जैसे कि भी मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर आके कुछ मांगते हैं वो मन्नत उनकी पूरी होती है, यहाँ पर पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर दूर से आते हैं ना लोग यहाँ पर, और उनकी मन्नतें लगभग पूरी होती हैं भगवान से जो मांगते हैं हम लोग, तो वो ये वॉलेंटियर है सभी लोग यहाँ के जी। क्या वॉलेंटियर है आप लोग, कैसा व्यवस्था है अभी आप? हम लोग का व्यवस्था ये हर साल ही रहता है, हम लोग का पूरा नवतरुण मंडल का पूरा ग्रुप है हम लोग का, हम ये हर साल से मतलब जब से हम लोग यहाँ पे है बचपन से हम लोग यहाँ पे ही है, तो हम लोग गए 15 साल से पूरे यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं, सब पूरा डेकोरेशन नवतरुण मंडल के मार्फत हुआ है, आप देख सकते हो इतनी अच्छी तरह से डेकोरेशन किया गया है जय बोले। तो आपने सुना कि वॉलेंटियर भी है गुप्ता जी से मंदिर के ट्रस्टी, और काफ़ी भीड़ है लोगों को दर्शन करने के लिए, देखेंगे ये तमाम महिलाएं हैं, और आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, काफ़ी अहम माना जाता है हिंदू समुदाय में भगवान शिव की जो है आज पूजा अर्चना की जा रही है, और भगवान शिव का जो मंदिर है उसके ठीक सामने ही देखेंगे भगवान नंदी की जो है प्रतिमा है, और लोग यहाँ भी पूजा करते हैं उसके बाद जो है भगवान शिव के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज क्या क्या मान्यताएं आप लोग लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, आप लोग दर्शन करने के लिए आए, क्या बताएंगे? नहीं, हम दर्शन करने के लिए आए हैं महाशिवरात्रि के अवसर से। इसके कहाँ से आए हैं? गाँव देवी से। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि व्यवस्था जो है यहाँ शंकर मंदिर पर काफ़ी अच्छी की गई है, कि महिलाएं भी यहाँ से देखेंगे दो दो लाइन महिलाओं की है, और यहाँ पर एक साइड में जो है पुरुषों की लाइन है, तो धीरे धीरे एक एक करके जो है महिलाओं को जो है यहाँ पर आने दिया जा रहा है, उसके बाद जो है यहाँ से जेंट्स, एक बार महिलाएँ आती हैं फिर जेंट्स आते हैं, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर लोगों को जो है धीरे धीरे करके दर्शन करने का मौका दिया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई लोग ऐसा घबराहट ना हो किसी में, शांतिपूर्वक तरीके से लोग जो है वो दर्शन कर सके। क्या नाम है भाई आपका? बालू। क्या बताइए, आज महाशिवरात्रि का दिन है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप भी पहुँचे हैं, क्या बताइए? महाशिवरात्रि भगवान श्री शिव शंकर का देवस्थान है, तो इस दिन सब लोग हिंदू धर्म देवस्थान पूजा अर्चना के लिए आते हैं हर साल।
कुछ मान्यता है आपकी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी पुरानी मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पर जो भी मान्यता की जाती है वो पूरी होती है मनोकामना होते हैं। अपने सबका अपना अपना धर्म का ये रहता है, श्रद्धा रहते हैं, अपनी मन्नत पूरी हो जाती है। मन्नत के साथ साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास यकीन होना चाहिए, तो आपकी श्रद्धा जो है पूरी होती है। यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं का अंदर आ जाए, महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या मनोकामनाएं आपकी भगवान शिव के आज दर्शन के लिए आए? महाशिवरात्रि का पर्व है, आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, बस दर्शन करने आए। भगवान सबको अच्छा रखे, सबकी खुशी है, खुशी रखे। ये ऐसी जो है महिलाएं, हालांकि महिलाएं बोल नहीं पा रही हैं, ठीक से बता नहीं पा रहे, और एक दो महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या क्या है। भगवान शिव की आज जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, मुमरा का शंकर मंदिर का ये परिसर है, ये भीड़ देखेंगे आप, काफ़ी दूर तक जो है महिलाओं की लाइन है। हम और बात करने की कोशिश करेंगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्या मनोकामनाएं आपकी हैं? क्योंकि काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर ये है, ऐसा माना जाता है कि जो भी मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। हाँ, पूरी तो होती है, मन्नतें तो पूरी होगी, इसलिए आए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सबको बधाई हो। सब कहाँ से आए हैं आप? मुमरा से, यहाँ से ही है। मुमरा से तो क्या कहना चाहेंगे और भगवान शिव के आज महाशिवरात्रि? क्या बोला, आज महाशिवरात्रि अच्छा दिन है सबसे, और तो कुछ आती नहीं। तो आपने सुना कि मुमरा का शंकर मंदिर परिसर है ये, और काफ़ी ऐतिहासिक ये मंदिर है, कई सौ साल पुरानी ये मंदिर है, और यहाँ पर मुमरा ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस मंदिर में जो भी मांगा जाता है, जो भी मुराद लेकर लोग आते हैं, उनकी मुरादें वो पूरी होती हैं।